नमस्कार दोस्तों, आज उपांत की कहानी अनिल की जबानी। कहानी का शीर्षक है तबादला। मैं विराट, विराट डोभाल, ये उसके जीवन की टैगलाइन है। किसी को अपना परिचय देना हो या किसी का परिचय लेना हो तो शुरुआत यूं ही होती है, मैं विराट, विराट डोभाल। विराट अपनी पढ़ाई पूरी कर एक सिविल इंजीनियर बन चुका है। वह हाईवे निर्माण कंपनी में नियुक्ति के बाद अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहा है। आज छुट्टी का दिन है। जल्दी आंख खुली तो चाय बनाकर कप में उड़ेली और खिड़की के पास आकर बैठ गया। उसकी खिड़की से दूर दूर तक बहुमंजिला इमारतें यूं दिखाई देती मानो आसमान से कंक्रीटों की झालर लटक रही हो। वह कप से एक घूंट चाय पीकर मुस्कुराता और अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ता, वाओ, वेरी नाइस। उसके अंदाज से लग रहा था कि वह अपनी बनाई हुई चाय से बड़ा संतुष्ट था। वह एक एक कर चाय की चुस्कियां भरने लगा। पांचवी मंजिल की खिड़की से वह नीचे की ओर निगाह करता तो उसको सोसाइटी के ग्राउंड में कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए स्टंप गाड़ते हुए नजर आते। उन्हें देख वह अचानक उदास हो जाता है। कप से चाय की आखिरी घूंट पीता है। कप स्टूल पर रख आंखें बंद कर कुर्सी पर कमर टिकाकर पीछे की ओर झूलने लगता है। सुनैना, सुनैना बंद आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। अच्छा बताओ, ये विराट का मतलब क्या होता है? विराट मतलब बड़ा, उसने जवाब दिया। बड़ा? मगर तुम तो अभी छोटे हो। बड़ा तो वो होता है जिसके मूंछ निकल आती है, सुनैना ने नाक चढ़ाकर जवाब दिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुनैना और विराट की दोस्ती बहुत पुरानी नहीं थी। विराट के पिताजी उसी वर्ष तबादला होकर यहां आए थे। इस छोटे शहर में वे आना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लखनऊ और नजीबाबाद के बीच एक बहुत बड़ा फासला है स्टेटस और स्टैंडर्ड का। तबादला रुकवाने की कई कोशिशों के बाद जब बात नहीं बनी तो उन्हें नजीबाबाद आना ही पड़ा। विराट की मां तो उन्हें पहले ही कह चुकी थी, बेकार परेशान होते हो, लखनऊ से चले जाते हैं, कौन सी यहां हमारी जमीन जायदाद रखी है जो मोह करे, समय से चले जाते हैं, बच्चों के स्कूल में एडमिशन का समय भी है, देर हुई तो वो भी परेशानी का एक सबब बन जाएगा। आखिर पति पत्नी की राय एक हुई और डोभाल फैमिली नजीबाबाद आ गई। थोड़े दिनों में सब सामान्य सा हो गया, मसलन घर, दफ्तर, बाजार, किसी का घर में आना जाना, एक आम आदमी के जितने भी दायरे होते हैं वहां तक अब सुमेश डोभाल के रिश्ते पसर चुके थे। विराट के पिता सुमेश डोभाल सिंचाई विभाग में हेड अकाउंटेंट थे। सारा दफ्तर उन्हें बड़े बाबू के नाम से जानता था। बड़े बाबू थे तो स्वाभाविक था कि स्टाफ के सभी लोगों की फैमिली भी उनसे मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मिसेज रावत अपनी बेटी सुनैना के साथ बड़े बाबू के घर पर आ गई। सुनैना बड़ी चंचल लड़की थी। आते ही उसने सबसे पहले विराट की मां से दोस्ती कर ली। जब थोड़ी देर हो गई तो उसने अपनी मां के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर कुर्सी पर बैठे विराट की ओर आंखों से इशारा करते हुए धीरे से कहा, मम्मी उसका नाम क्या है? सुनैना की मां बेटी को कुछ जवाब दे पाती उससे पहले विराट की मां ने कह दिया, अरे अपनी मम्मी से क्या पूछती हो, उससे खुद ही पूछ लो। विराट की मां का इतना कहते ही वह विराट के पास जाकर पूछ बैठी, तुम्हारा नाम क्या है? विराट ने गर्दन नीचे कर जवाब दिया, विराट। अच्छा बताओ, ये विराट का मतलब क्या होता है?
विराट मतलब बड़ा? उसने जवाब दिया, बड़ा मगर तुम तो अभी छोटे हो। बड़ा तो वो होता है जिसकी मूछें निकल आती हैं। सुनैना ने नाक चढ़ाकर जवाब दिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुनैना की हरकतों को देख विराट की मां के साथ सुनैना की मां भी हंस पड़ी। विराट को पहले तो लगा कि शायद ये लड़की उसका मजाक बना रही है, लेकिन सबको हंसता देख उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वक्त के साथ साथ उसकी वो चंचलता विराट की घनी दोस्ती में बदल चुकी थी। सुनैना इतनी बेबाक थी कि कॉलोनी से लेकर स्कूल तक सब उसे आफत वाली जिद्दी लड़की कहते। पांचवी क्लास में विराट का एडमिशन भी उसी स्कूल में हो चुका था जिसमें सुनैना पढ़ती थी। दोनों एक ही रिक्शे से स्कूल जाते, एक ही क्लास में पढ़ते और इंटरवल में अपने लंच बॉक्स को शेयर करना उनकी आदत सी बन गई थी। वो जिद्दी लड़की अपने लंच बॉक्स के खाने को भले ही बराबर बांटकर खा लेती, मगर इम्तिहान में नंबरों में बराबरी उसे बिल्कुल पसंद ना थी। सबसे ज्यादा नंबर लाने की होड़ उसे हमेशा लगी रहती। दो साल तक तो विराट को सुनैना के नंबरों की होड़ का गणित समझ ही नहीं आया। जो आए जितने आए सब ठीक, मगर सातवीं क्लास में आने पर विराट और सुनैना के बीच भी नंबरों की प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। इसके कारण उनके बीच कभी कभी स्कूल में मन मुटाव भी हो जाया करता। सुनैना दिन ब दिन कुछ गंभीर होती जा रही थी। उसके नंबरों के एक छत्र साम्राज्य को कोई मिटा दे उसे यह कतई मंजूर न था। एक दिन उसने गुस्से में कहा, मुझे मालूम होता कि तुम मेरे साथ पढ़ाई में कंपटीशन करोगे तो मैं तुमसे कभी दोस्ती ना करती। और हाँ विराट, अब मैं तुम्हारे साथ अपना लंच बॉक्स भी कभी शेयर नहीं करूंगी। विराट ने कोई जवाब तो नहीं दिया, पर मन ही मन बुदबुदाया, अच्छा तो तुम उससे दोस्ती करोगी जो तुमसे हार जाए। खैर, विराट और सुनैना के बीच की ये जंग ऐसी थी जिसमें किसी का नुकसान तो क्या होता, बल्कि दोनों की वो धरती मजबूत हो रही थी जिस पर जिंदगी की नींव रखी जानी थी। एक दिन इंटरवल की घंटी बजी तो सब बच्चों ने अपने अपने टिफिन निकाले। विराट ने भी आहिस्ता से अपना टिफिन खोला। पराठे का पहला कोर मुंह में डाला ही था कि सुनैना ने आकर उसका टिफिन बंद करते हुए कहा, लो ये बथुए का पराठा खाओ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। उसकी आंखें हल्की लाल हो आई थी। युवाज सुनैना के बदले हुए स्वभाव को देख विराट हक्का बक्का रह गया। उसे अपने सामने खड़ी देख उसकी आंखों में झांक कर वो बोला, तुम रो रही हो? नहीं, तुम खाओ चुपचाप। और सुनो, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुमसे कभी दोस्ती ना करती, सॉरी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। बस थोड़े दिन और रहेगी ये जिद्दी लड़की तुम्हारे साथ। उसकी आंखों के आंसू गालों पर ढल आए थे। विराट ने पराठे का टुकड़ा चबाते हुए कहा, क्यों? पापा का ट्रांसफर हो गया है, अब हम लोग चले जाएंगे यहां से। विराट अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। सुनैना के दिए पराठे से एक कोर तोड़ उसके हाथ में दिया तो है उसे लेकर अपनी कुर्सी पर जा बैठी। उस दिन दोनों कई महीनों बाद स्कूल से लौटते हुए रिक्शे की एक ही सीट पर बैठ कर आए थे। उसका मन कर रहा था कि आज रिक्शा वाले अंकल पूरे शहर का चक्कर लगा डालते तो कितना अच्छा होता, पर ऐसा नहीं हुआ। रिक्शा कॉलोनी में घुसा। सुनैना ने रिक्शे से उतरते हुए विराट की बाजू में जोर से चूटते हुए बैग उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ी। विराट की आंखों के किनारे नम हो गए थे। उसे लगा मानो सुनैना ने अभी उसकी बाहों में जोर से चूटा हो। वह बाजू को हथेली से मलते हुए कुर्सी से उठ गया, पुरानी एल्बम निकाली और एक एक कर
अपने स्कूल के समय की तस्वीरों को देखने लगा। वह खुद से सवाल कर रहा था, ये कुछ रिश्ते सिर्फ स्कूल की चार दीवारी के बीच तक ही क्यों सिमट कर रह जाते हैं? ये अधूरे रिश्ते आखिर मुकम्मल क्यों नहीं होते हैं?